प्रियो, आपको और मुझे अलग होने के लिए बुलाया गया है। हाँ, आप इस दुनिया में हैं, लेकिन आपको इस दुनिया में हर किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। लोग कर्ज में डूब रहे हैं, वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अपने फाइनेंस को लेकर उनकी नींद उड़ गई है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह आप ही हो। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि जैसे आपकी आत्माएं समृद्ध हों, वैसे ही आप भी समृद्ध और स्वस्थ रहें। उसकी इच्छा यह नहीं है कि आप अपने कर्जों का गुलाम बने। कर्ज से बाहर निकलने का यह एक तरीका आपको गरीबी, अभाव, चिंता, तनाव और कर्ज की जंजीरों से मुक्त होने में मदद करेगा। ये आर्थिक स्वतंत्रता लाएगा जो आपके जीवन और आपके परिवार को आशीर्वाद देगा। नीति वचन 22 अध्याय 7 वचन में लिखा है, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। आइए जानिए कर्ज से बाहर निकलने के लिए 8 कदम। फर्स्ट पॉइंट, प्रार्थना करें। अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। उससे बुद्धि और ज्ञान मांगें। सफलता के लिए उसके दिए गए वचनों का पालन करें और प्रभु के सामने खुद को आज्ञाकारी बनाएं, जो उनके वचनों में लिखा गया है, और अपने फाइनेंस के मामले में उन पर भरोसा करें और निरंतर प्रार्थना करते रहे, क्योंकि प्रार्थना ही आपको मार्गदर्शन बताएगी। जैसे बाइबल कहती है फिलिपियों 4:6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। सेकंड पॉइंट, दशमांश देना और दान देना जारी रखें। बहुत से लोग जब खुद को आर्थिक संकट में पाते हैं तो सबसे पहले वे दशमांश और दान देना बंद कर देते हैं, और यह एक बहुत बड़ी गलती है। जब आप देते हैं तो आप एक बीज बो रहे हैं जो उसके समय में बहुत फल लाएगा। जब आप देना बंद कर देते हैं तो आप अपनी भविष्य की फसल भी रोक देते हैं। यदि आप कभी सेब का पेड़ नहीं लगाएंगे तो आपको सेब कभी नहीं मिलेंगे। ये बीज के समय और कटाई का नियम है। जब आप अपना दशमांश और दान देते हैं तो आप न केवल परमेश्वर को दिखा रहे हैं कि आप अपने आर्थिक मामले में उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन आप उसके तरफ आज्ञाकारी भी हो रहे हैं, और आज्ञाकारिता जीवन में आशीर्वाद लाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति कितनी तंग है, परंतु आप हमेशा दें। आप अपना समय भी दे, करुणा दे, प्यार दे, भोजन दे, कपड़े दे, लेकिन देना कभी बंद ना करें। जैसे बाइबल कहती नीतिवचन 3:9-10 में, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। थर्ड पॉइंट, एक क्रेडिट कार्ड को छोड़कर सभी को बंद कर दें। आपको अपने कार्ड बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक को छोड़कर अपने सभी कार्ड बंद करने होंगे। एक कार्ड केवल इमरजेंसी के लिए आप रखें। बिली एपरहार्ट नाम के एक वक्ता कहते हैं कि आप अपने पास रखे एकमात्र क्रेडिट कार्ड को भी फ्रीज में रख दें। अपने क्रेडिट कार्ड को पानी वाले एक कंटेनर में रखें और उसे फ्रीजर में रख दें। यह आपको जल्दबाजी में कोई चीज खरीदारी करने से रोकता है, क्योंकि आपको अपने कार्ड के पिघलने तक इंतजार करना पड़ता है। यह आपको यह सोचने का समय देता है कि क्या आपको वास्तव में अपने कार्ड का उपयोग करने की आवश्यकता है या नहीं। फोर्थ पॉइंट, कोई नया कर्जा ना ले, कोई भी नया कर्ज लेने की आदत ना बनाए, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें और उन आदतों को बदलें जिनके कारण आप कर्ज में डूबे थे। जब आप कोई नया कर्जा नहीं लेंगे तो आपके पास पर्याप्त रुपये होंगे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, अपने सभी कर्जों की एक सूची, लिस्ट बनाएं। अपने सभी कर्जों की एक लिस्ट बनाएं जो इस समय आप पर है। आप उसे हाई इंटरेस्ट के हिसाब से मत रखिए, लेकिन उन्हें ऐसा रखें कि आप सबसे पहला कौन सा कर्जा खत्म कर सकते हो।
फिर उन सब के खत्म होने के लिए रोज प्रार्थना करें और जैसे जैसे एक से एक कर्जा खत्म होता है प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना करते रहे। सिक्स्थ पॉइंट, भुगतान करना शुरू करें। कई लोग सही समय पर भुगतान ना करने पर उन पर इंटरेस्ट बढ़ता है, फिर उन्हें वह हटाने के लिए फिर से कर्जा लेना पड़ता है और आप फिर कर्जे के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इसलिए अपने सभी कर्जों का भुगतान नियमित समय पर करें। भले ही आपको मनपसंद चीजों को छोड़ना पड़े, लेकिन कर्जों का भुगतान सही समय पर कर दें, जिससे आने वाले दिनों में आप पर बोझ ना रहे। सेवेंथ पॉइंट, अतिरिक्त भुगतान करें। अगर आपके ऊपर 8 से ज्यादा कर्जे हैं, तो पहला कर्जा खत्म होने पर आप उन पैसों का इस्तेमाल दूसरा कर्ज उतारने में कीजिए। आप अपने दूसरे कर्जे में उतने ही रुपये को जोड़कर उसका भुगतान करें। उदाहरण के तौर पे आपके पास 2 कर्जे हैं, जिसमें से एक का हर महीने आप 2,000 रुपये भुगतान कर रहे हैं और दूसरे का 5,000। जब आप देख रहे हैं कि मेरा 2,000 रुपये महीने का कर्जा अब खत्म हो गया है, तब आप अगले महीने उन 5,000 रुपये वाले भुगतान में उस 2,000 को जोड़ के 7,000 रुपये भरे। इससे ये होगा कि आपका जो दूसरा कर्जा है वह भी जल्द खत्म होगा। आपके कर्जे के आधार पर आपको अपना कर्ज चुकाने में 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या उससे अधिक का समय लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप यह कर लेंगे तो आपको खुशी होगी कि आपने यह कर लिया। 8th पॉइंट, अपने फाइनेंस पर जीवन को घोषित करें। बाइबल हमें बताती है नीति वचन 18:9 में, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आपके द्वारा बोले गए शब्दों में शक्ति है। जैसे परमेश्वर ने अपने शब्दों से दुनिया बनाई, वैसे ही हम अपने शब्दों से अपना भविष्य बनाते हैं। आप अपने फाइनेंस के बारे में क्या कह रहे हैं? क्या आप कबूल कर रहे हैं कि आप हमेशा टूटे हुए हैं? क्या आप कबूल कर रहे हैं कि आप कभी भी कर्ज से मुक्त नहीं होंगे? क्या आप कह रहे हैं कि आपकी स्थिति कभी नहीं बदलेगी? क्या आप कह रहे हैं कि आप पैसों के मामले में अच्छे नहीं हैं? अपने शब्दों से बेहतर भविष्य बनाने के लिए आपको क्या कहने की आवश्यकता है? बाइबल कहती है मरकुस 11:23 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे हट जा और समुद्र में डाल दे, और अपने मन में संदेह न करे वरन विश्वास करे कि जो कुछ मैं कहता हूँ वह हो जाएगा, वह जो कुछ कहेगा वैसा ही करेगा। सुनिश्चित करें कि आप अपनी स्थिति और अपने आर्थिक अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। याद रखें, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। यह कहने के बजाय मैं टूट गया हूँ, मैं पैसे के मामले में खराब हूँ, मैं कभी भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, आप रोज कहे मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी सभी जरूरतें पूरी करता है, मेरे पास जरूरत से ज्यादा है। परमेश्वर ने मुझे जो पैसा दिया है मैं उसका बहुत बड़ा भंडारी हूँ। परमेश्वर का आशीर्वाद वास्तव में अमीर बनाता है और इसके साथ कोई दुख नहीं जुड़ता है। आप जो कह रहे हैं उसे बदलें, और आप जो देख रहे हैं उसे बदल देंगे। कर्ज से छुटकारा पाने के इस ईसाई तरीके के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है, विश्वास की आवश्यकता होती है, और आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। अच्छी खबर यह है कि आपको यह मिल गया। आप मसीह के साथ सब कुछ कर सकते हैं जो आपको शक्ति देता है। आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं, आपके पास एक बड़ा बचत खाता हो सकता है, आप दूसरों के लिए वरदान बन सकते हैं, आप सेवानिवृत्ति के लिए बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। जैसे आपकी आत्मा समृद्ध होती है, वैसे ही आप भी समृद्ध और स्वस्थ रह सकते हैं।